अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मॉडल पेपर है इंग्लिश कंपलसरी फॉर फर्स्ट ईयर, और इसकी जो एमसीक्यूज़ है वो है, तो ये 2022 का है मॉडल पेपर, इंग्लिश कंपलसरी फर्स्ट ईयर। तो एमसीक्यूज़ सेक्शन ए आपके सामने में रखता हूँ, आप देखिए, और जिनके जवाबात जो ग्रामर से रिलेटेड है उनके जवाबात तो मैं दूंगा, लेकिन जो बुक रिलेटेड आंसर्स है आप खुद उनको तलाश करके फिर लिखें। तो ये जो है ये 20 मिनट्स का होता है और इसके 20 MCQs होते हैं, यानी आप जो है ना 9th और 10th के बरक्स, क्योंकि वहाँ जो है ना 20 मिनट्स होते हैं 15 MCQs के लिए, लेकिन यहाँ आपके साथ सिर्फ 20 मिनट्स है और वो है 20 MCQs के लिए। तो आपने ज़रा तेज़ी से काम लेना होता है। तो इनमें से कुछ तो बिल्कुल ग्रामर रिलेटेड है और कुछ बुक रिलेटेड है। तो जो ग्रामर रिलेटेड है उनके जवाबात मैं आपके सामने रखूँगा। आप इसको देखिए, जो 2022 के लिए बना है, तो आपका जो 2022 का पेपर है इस अंदाज़ पे आएंगे इंग्लिश का, और मुमकिन है कि इनमें से बहुत सारे आ भी जाएंगे, तो आप इनको खूब याद करें और जहन में रखें। अच्छा, क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 1, व्हाट डिड द हंग्री सीगल फील इन द ब्लेजिंग सन? हीट, कोल्ड, थर्स्ट, हंगर। नंबर 2, द सब्जेक्ट्स दैट वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज आई फैंसीड लीस्ट। द अंडरलाइंड वर्ड इज, देखिए ना, ये अंडरलाइन वर्ड है ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट वर्ड के बारे में आपसे पूछते हैं कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है या नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो दुरुस्त हो, तो आपने उस शीट को यानी इस गोल दायरे को ब्लैक या ब्लू मार्कर से आपने भरना होता है। तो इसका जवाब मैं दूंगा, ये है एडवर्ब, ऑलमोस्ट इधर है एडवर्ब। नंबर 3, वेयर वुड जो लाइक टू लिव इफ ही कुड चूज अ प्लेस इन द वर्ल्ड? टाउन, माउंटेन्स, कंट्री, डेजर्ट। नंबर 4, एन इकोसिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवोल्यूशन, अल्टरनेशन, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन। देखिए ना, ये पहला रिवोल्यूशन है, इसका मतलब है इनकलाब, और ये आखिर में जो चौथा है ये एवोल्यूशन है, इसका मतलब है इर्तिका। तो देखिए ना, इन चारों में से जो दुरुस्त है वो आप लगाएंगे। नंबर 5, हु ऑलवेज टॉक अबाउट बैक एक्स एंड पेंस? ओल्ड पर्सन्स, वमन, चिल्ड्रन, यंग मैन। नंबर 6, द इंस्ट्रक्शन बुक वॉज स्लाइटली स्पेस देन प्राइड एंड प्रेजुडिस। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, लॉन्गर। तो स्पेस में कौन सा दुरुस्त आता है? नंबर 7, आई स्पेस हिम अ बिग हग एंड रेन टू द बस। गिव, गिवन, गेव, गिविंग। तो ये जो तीसरा नंबर है, जी ए वी ई, गेव, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें दुरुस्त आता है। नंबर 8, आई नो देयर वर नो प्रॉब्लम्स स्पेस द कार। ये ज़रा मुश्किल है क्योंकि इनमें दो तीन ऑप्शन फिट होते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है विद, आई नो देयर वर नो प्रॉब्लम्स विद द कार। नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू येल? टू शाउट, टू स्वीप, टू रन, टू ग्रोन। तो इसका जवाब है टू शाउट। नंबर 10, बट इफ आई एवर नीड अ ट्रेंड एनीथिंग यू आर द मैन आई विल कॉल। द अंडरलाइन वर्ड इज, ये अंडरलाइन वर्ड यहाँ है नीड, तो ये एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, तो ये तो जाहिरी बात है कि वर्ब है, सॉरी। नंबर 11, एंड आई टोल्ड हिम स्पेस आई केम टू डिस्कवर इट ऑल। आप देखिए ना, ये ज़रा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें व्हाट के सेवा जो है ना तीन ऑप्शन दुरुस्त आते हैं, तो बोर्ड वाले इस पे गौर करना चाहिए कि इस तरह की कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसका जवाब व्हेन भी आ सकता है, हाउ भी आ सकता है, व्हाई भी आ सकता है, तो आप पता नहीं कि बोर्ड वाला कौन से को दुरुस्त करार देता है। नंबर 12, असद वॉज स्पेस वर्क एट द बिगिनिंग डूइंग फॉर
लुकिंग फॉर, गेटिंग फॉर, लुकिंग फॉर। तो इसका जो लुकिंग एट है ये दूसरा नंबर, तो इसका जो सही जवाब है असद वॉज लुकिंग फॉर नंबर फोर। इन 13 फ्लॉसिंग स्पेस इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो ये भी बुक से लिया गया है जिसमें आफ्टर एवरी मील, एवरी डे, ट्वाइस अ डे, वंस अ वीक। 14 हाउ डिड पेथियास स्टैंड बिफोर द थ्रोन, स्ट्रेट, स्ट्रेट इन क्वाइट क्वाइट ट्रेम्बलिंग। तो ये भी बुक से लिया गया है। नंबर 15 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूरियस, सरप्राइज्ड, फॉन्ड ऑफ, ईगर टू लर्न, केयरफुल। तो इसका जवाब है ईगर टू लर्न यानी मुतजस्स। नंबर 16 योर मजिस्टी आई स्ट्रगल्ड द होल नाइट टू अनटाई स्पेस हिमसेल्फ इटसेल्फ आरसेल्फ माईसेल्फ। तो ये भी बुक से लिया गया है, आप बुक में देखेंगे तो जो दुरुस्त जवाब हो वो लगाए। नंबर 17 व्हाट डज एब्रीविएशन आर एस वी पी मीन, प्लीज रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, प्लीज टर्न ओवर फोटो स्क्रिप्ट। तो ये जो है इसका जवाब है प्लीज रिप्लाई। ये आर एस वी पी जो इनविटेशन कार्ड्स होते हैं ना शादी का, तो वहाँ लिखते हैं और फिर कुछ लोगों के नाम लिखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस आदमी को मदऊ किया गया है अगर वो नहीं आता है तो मंदरजा ज़ेल लोगों को मतला किया जाए। और ये आर एस वी पी जो है ना ये फ्रेंच वर्ड से ये एब्रीविएशन बनाया गया है जिसका मतलब है प्लीज़ रिप्लाई। नंबर 18 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओकरा, ओकरा बेंडी को कहा जाता है दूसरा नाम है, ब्रेंजल, लेडीज फिंगर, पम्पकिन गॉड। तो इसका जवाब है लेडीज फिंगर। नंबर 19 आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप, द अंडरलाइन वर्ड इज स्पेस। तो आप देखिए ना ये जो सो है ये प्रिपोजिशन है, आर्टिकल है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो ये कंजंक्शन है और फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है ये सो। एंड नंबर 20 व्हाट शोज रिलेशनशिप्स अमंग अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये इंतहाई, इसको मैंने एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग एमसीक्यू लिखा है क्योंकि ये जो है ना ये अजीब किस्म का जो एमसीक्यूज है इसमें ये बताता है कि ये जो वर्ड है ना एडवर्ब, नाउन, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव, इनमें से कौन सा ऐसा है कि एक सेंटेंस में रिलेशनशिप को जाहिर करता है। तो वैसे सेंटेंस में रिलेशनशिप को तो कंजंक्शन जाहिर करता है और हर वर्ड कोई ना कोई रिलेशनशिप तो जाहिर करता है, लेकिन फिर जो है ये फिर भी एक कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज है। बहरहाल इसका जवाब मैं देता हूँ प्रीपोजिशन। तो ये था फर्स्ट ईयर 2022 मॉडल पेपर इंग्लिश फॉर फर्स्ट ईयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।